हेलो दोस्तों, आज टीम में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक अपडेट है जो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आप लोगों के साथ आज शेयर होनी चाहिए। अपडेट थोड़ी छोटी है पर इम्पोर्टेंट जरूर है, ये कहीं ना कहीं आपके किसी ना किसी काम ज़रूर आएगी। दोस्तों, अभी आपने पीछे देखा होगा कि ब्लैक थ्रिप्स का जो इन्फेस्टेशन था या प्रकोप आप कह सकते हैं, ये चिली और कैप्सिकम पे काफ़ी ज़्यादा था। ये साउदर्न पार्ट जो इंडिया का है वहाँ पर ज़्यादा फैला हुआ था, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो इस तरह की है कि ये ब्लैक थ्रिप्स के लिए बिल्कुल आइडियल कंडीशंस होती हैं। अभी दोस्तों एक और इंसेक्ट एक्टिव हुआ है, हालांकि ये इंसेक्ट पहले से ही था और ये हमारे जो इसमें बायोलॉजिकल सिस्टम में आप कह सकते हैं कि बायोस्फेयर में पहले से था और अभी थोड़ा सा एक्टिव हुआ है, क्योंकि दोस्तों फरवरी के महीने में जो टेम्परेचर है वो काफ़ी गर्म रहा है और सूखी गर्मी, वार्म और ड्राई क्लाइमेट रहा है, जिसकी वजह से जो ब्लैक एफिड नाम का एक इंसेक्ट वो एक्टिव हो चुका हुआ है दोस्तों, और इसके जो डैमेज सिम्टम्स दिखे हैं दोस्तों राजस्थान से रिपोर्ट किए गए हैं। अलवर जिले में एक जगह है नौगावां, वहां से एक फार्मर ने ये बात बताई है कि उनके जो सैफ फ्लावर की क्रॉप होती है उसके ऊपर ब्लैक एफिड, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एक ब्लैक थ्रिप्स होता है और एक जो नया ये इंसेक्ट है इसका नाम है ब्लैक एफिड, और दोस्तों ये रिपोर्ट हुआ है सैफ फ्लावर की क्रॉप के ऊपर। तो दोस्तों आने वाले दिनों में हो सकता है कि जैसे ब्लैक थ्रिप्स ने थोड़ा सा किसानों को थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा परेशान किया था, हो सकता है एफिड भी इसी तरह से अपना अपना प्रेजेंस दिखाए और किसानों के लिए मुश्किल भरा वक्त लेके आए। दोस्तों यहाँ इस वीडियो से जुड़ी एक और अपडेट या इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। जब ये सकिंग पेस्ट जैसे कि एफिड, थ्रिप्स या फिर जैसिड्स वगैरह या फिर आप हॉपर्स जो होते हैं ये जब फीड करते हैं प्लांट्स के ऊपर, तो दोस्तों क्या होता है कि प्लांट्स के तने में या फिर लीव्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स ज़मीन से लेता है, हम फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में उनको देते हैं। जो सेल सैप होता है दोस्तों, प्लांट्स के अंदर का जो रस होता है उसे सेल सैप कहते हैं। उसके अंदर दोस्तों जनरली शुगर्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं, पर प्लांट्स के सेल सैप्स के अंदर ज़्यादा प्रोटीन नहीं होता है बल्कि शुगर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। पर इंसेक्ट्स को दोस्तों प्रोटीन अपनी ग्रोथ के लिए ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए वो ज़रूरत से ज़्यादा सेल्स है प्लांट से लेते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत भी नहीं होती है, और बदले में दोस्तों शुगर्स क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मौजूद होते हैं तो ज़्यादा प्रोटीन लेने के चक्कर में वो एक्सेस शुगर्स वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्लांट से वो बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, और क्योंकि उनकी बॉडी को बहुत ज़्यादा शुगर की ज़रूरत नहीं है तो वो शुगर्स उनकी बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और इसी एक्सेस शुगर को दोस्तों हनी ड्यू कहते हैं, और हनी ड्यू के ऊपर हमने पहले भी डिस्कस किया था, और ये एक्सेस शुगर जो निकलता है इसे हनी ड्यू कहते हैं। हालांकि इंसेक्ट जो सकिंग इंसेक्ट होता है, रस चूसने वाला कीड़ा होता है, उसे अपने ग्रोथ के लिए अपनी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए इतने शुगर की जरूरत नहीं होती है, वो जरूरत से ज़्यादा शुगर प्लांट से एक्सट्रैक्ट करता है, उसे हनी ड्यू की फॉर्म में बाहर निकालता है। जब हनी ड्यू वहाँ पर निकलता है तो क्योंकि शुगर्स होते हैं तो वहाँ पर जो चींटियाँ होती हैं फिर चींटे जो होते हैं बड़े साइज़ के वो वहाँ पर हमें जनरली दिखते हैं। आपने देखा होगा कि जो ये स्केल्स जो होते हैं या फिर ये इस तरह के इंसेक्ट्स होते हैं एफिड जैसिड, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पे चींटियाँ भी आमतौर पर हमें देखने को मिलती हैं। हमें ऐसा लगता है कि चींटियाँ इनको खाने के लिए आ रही हैं, हालांकि ऐसा नहीं है दोस्तों। मिलीबग जैसे होता है तो वहाँ हमें ऐसा लगता है कि ये वहाँ मिलीबग को या फिर इन एफिड जैसिड्स को खाने चींटियाँ आई हैं, आंट्स आए हैं, पर ऐसा नहीं होता दोस्तों। उस हनीड्यू को लेने के लिए ये चींटियाँ वहाँ पर आती हैं, और इनका जो हमें नुकसान ही होता है क्योंकि दोस्तों इनकी वजह से जो इन एफिड्स या फिर मिलीबग का जो कंट्रोल होता है ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक डिस्टर्ब होता है, क्योंकि इन सकिंग पेस्ट के ऊपर हमारा एक बेनिफिशियल इंसेक्ट है लेडी बर्ड बीटल, ये फीड करती है, और चींटियों के होने की वजह से लेडी बर्ड बीटल वहाँ पर नहीं आ पाती क्योंकि चींटियाँ उसको डिस्टर्ब करती हैं, और जो हमारा मेन इंसेक्ट है एफिड जैसे या ब्लैक एफिड की जैसे हम बात कर रहे हैं वो दोस्तों वहाँ पर कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और वो क्या करता है दोस्तों प्लांट से प्रोटीन के चक्कर में एक्सेस शुगर्स निकालता है, बाहर खींचता है और उसे बाहर निकालता रहता है, और उसी को हनी ड्यू या फिर मीठा पानी आप कह सकते हैं कि वहाँ पर इकट्ठा करते हैं उसे खाने चूसने के लिए, दोस्तों वहाँ पर चींटियाँ आती हैं और इसके मैनेजमेंट को ही काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। तो दोस्तों वो ब्लैक एफिड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर की जानी चाहिए। उम्मीद है आपको इस इन्फॉर्मेशन से आपके इल्म में थोड़ा बहुत इजाफा जरूर हुआ होगा। आप ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी इस फैमिली और मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।